हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चितान्यास कैलेंडर। मैं हूँ अनन्या, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपने घर जा रही हूँ पटना। तो मेरी फ़्लाइट है 12 बजे, और आज थोड़ा उठने में मुझे लेट हो गया था, तो मम्मा ने मुझे कॉल करके जगाया है। तो मैं 6 या 7 बजे उठी गई थी, तो 7 बजे आई थिंक उठी थी। तो मुझे लगा मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई। तो अभी सब कुछ रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, और हमें बस बाहर निकलना है। तो बस मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना लेती हूँ, और बने रही मेरे साथ पूरे वीडियो में। बाकी की वीडियो मैं बाहर बनाऊँगी और एयरपोर्ट पहुँच कर बनाऊँगी। तो आप कंटिन्यू रहो मेरे साथ। गाइज, हम मेट्रो से जाएंगे, हम निकल चुके हैं, मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, जी टिकट ले रहे हैं। तो गाइज, पहला मेट्रो हमने अभी चेंज किया है, और अब हमें दूसरा मेट्रो भी पकड़ना होगा। तो दूसरे के लिए थोड़ी दूर हमें पैदल चलनी होगी। बहुत ज़्यादा दूर है, और हर जगह ये स्लेटर बनी हुई है, इस वजह से हम जल्दी पहुँच भी पा रहे हैं, जल्दी चल भी पा रहे हैं, वरना इस साइड से जाते तो काफ़ी देर होता। और मैंने वेयर किया है ये वन पीस, और मैंने ज़्यादा चूड़ियाँ भी नहीं पहनी है। आप देख सकते हो मेरी टैटू भी दिख रही है, आप देख सकते हो। इस पर चलने पर हमारी स्पीड और भी दुगनी हो जाती है, जबकि यहाँ से चलेंगे तो बहुत ही नॉर्मल स्पीड रहेगी, और यहाँ से काफ़ी तेज़ी से इसको चल पा रहे हैं। यहाँ से हम एयरपोर्ट की टोकन ले रहे हैं, वहाँ से आने के बाद वहाँ पे हमने एग्जिट करी है, और उसके बाद हमने दूसरा टोकन लिया है यहाँ से, और इसके बाद फिर हम जाएंगे। इस तरह का टोकन हमें मिला है यहाँ पर, और हमें शायद अब ऊपर जाना है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। एज यू कैन सी, ये सीढ़ियों से जाने में तो हालत ख़राब हो जाने वाली है। आप ले लो दोनों बैग। तो गाइस, हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पहुँच गए एयरपोर्ट जाने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा खाली खाली है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ का बिल्कुल लोग नहीं है, एक दो लोग ही बस। अब मैं जाऊंगी अपने घर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैं घर जाऊँगी। वैसे तो मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, अभी 1.5 महीना शायद हुआ है यहाँ दिल्ली आए हुए मेरा। सो गाइस, वी आर इन मेट्रो, ये मेट्रो बहुत खाली खाली सा है, ये एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो है, देख सकते हो बहुत ही खाली है। सो गाइज, लुक एट दिस तोंदू, इनका पेट बाहर आ गया। गेट पे अब टिकट एंड आपका आईडी प्रूफ चेक होता है, तो मैंने अपना आधार कार्ड निकाल लिया है, मैंने अपनी टिकट भी निकाल लिया, और अरे ये बाहर ही ठीक नहीं होता यार। तो ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। मैं अंदर आ चुकी हूँ, मुझे बैग जमा करना है,
मैं उसके लिए लाइन में लगी हुई हूँ और यहाँ पे बैग जमा करने के बाद मैं उसके बाद मैं आगे जाऊँ। तो गाइज़ मैंने अपना अभी बोर्डिंग चेक करवा लिया है और अभी मैं यहाँ पर अपना मेरा ट्रॉली जो था वो भी जमा हो चुका है, यहाँ पर मैं अपना बैग यहाँ पर जमा करूँगी, उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने गेट नंबर पे देखूँगा। 58 है मेरा। No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting while you're taking. I've been sipping cause I'm making. No regrets, I'm not insistent. Just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all the shit you told me. Just to grab that, I meant you, damn, you hold me down. All my voice has just been wasted, all gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure. I went and let you be. पहुँच चुकी हूँ गेट नंबर 58 पे और यहाँ पर अभी सब वेट कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ वेट कर रही हूँ। 12 बजे की फ़्लाइट है, अभी टाइम हो रही है सिर्फ 11:15, तो हमें वेट करना होगा अभी। तो वेट कर रही हूँ और बोर भी हो रही हूँ, बट अंदर ही अंदर बहुत खुशी है, मैं अपनी फैमिली से मिलूँगी। एक 1.5 महीना ही हुआ है, ये भी सोच रही हूँ कि 1.5 महीना ही हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से मैं अपने घर नहीं गई, कितने दिनों से मैं उन लोगों से नहीं मिली हूँ। बट अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है घर जाने की खुशी। बोर्डिंग पास जो कि हम एयरपोर्ट पे ही बाहर मशीन लगी हुई थी वहाँ से हमने निकाला है। Guys, finally we are landed Patna. I'm all to Patna. और मेरी बहन आई है मुझे लेने के लिए यहाँ पे, मैं बस बाहर निकल के गाड़ी में कलेक्ट कार्ड लगेज, वहाँ पर हमारा लगेज आएगा। ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली मैं अपनी बहन से मिल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है और ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरी एक एयर होस्टेस, वो भी मेरी बहन ही है, उसने मुझे यहाँ पे वेलकम करा आज वुमेंस डे के तौर पे और उसने मुझे रोज़ दिया है, ये चॉकलेट दिया है। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई इन लोगों को देख के कि मैं उसके साथ वीडियो भी बनाना भूल गई, बट अभी मुझे याद आया तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो काफ़ी धूप है यार यहाँ पर, मैं घर जाती हूँ और घर पर जाके मम्मा के साथ जो एक्साइटमेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने खाना वाना खा लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ उनके पास आके। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कितने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, पर हुआ बस 1.5 महीना है अभी। और मैं अब थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत कल भी ठीक नहीं थी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, जा रही हूँ मैं अपने मम्मी से ढेर सारी बातें करूँगी और
आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।